हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। अंशिका वापस ही आ गई है आज कुछ ज्ञान की चीज़ें लेके। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो वीडियो में मैं जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ ना, वो एक्चुअली आई डोंट थिंक हमको पता है, या हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट स्टिल ना हम उनको इतना तवज्जो नहीं देते। ठीक है, मतलब इतना वैल्यू नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ना वो चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो आप देखोगे कि एक छोटे छोटे से चेंज ना आपके ओवरऑल जो आपकी स्किन है, आपके हेयर्स है, उस पर कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं। स्पेसिफिकली टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर्स, सो आई एम टोटली शेयरिंग द हेयर हैक्स, 10 हेयर हैक्स, जो कि ना एक तो पहली चीज़ जो कि लिटरली वर्थ इट है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको कई बार बहुत टाइम सेव कर सकते हैं एंड आपको बहुत सारी ऐसे अजीब से सिचुएशंस से बचा सकते हैं। ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना होगा ना, आपको सिंपली कुछ मत करो, जस्ट ना रेगुलर एक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जैसे आप अपना योगा या कुछ भी चीज़ करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट यूज योर फिंगर्स, ओके, एंड यू हैव टू जस्ट मसाज लाइक दैट। थोड़ा सा प्रेशर दो, ओके, प्रेशर दो और ऐसे करके मसाज करो प्रॉपरली। अगर आप ऐसे करके मसाज करोगे ना, सीरियसली मैं बोल रही हूँ 5 मिनट भी नहीं हो पा रहे ना, तो 3 से 4 मिनट करो, थोड़ा सा बस ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके प्रेस करना। इससे आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने हेयर्स पे, स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो। जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर हेल्दियर होंगे। ये बहुत छोटा सा इलाज है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है यार कि हम ना DIYs करें और ऐसा करें, और हमको चाहिए कि यार थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे ले देखे। ठीक है, तो मैं लिटरली जो अभी हैक शेयर करने वाली हूँ ना आपके साथ, उसके साथ उसमें ना आपको 1 से 2 बार में ही एकदम सही वाला रिजल्ट दिखेगा। तो अभी क्या करना है ना आपको, अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है और आपके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है DIY यूज़ करने का, तो आप क्या करो बेसिकली, सबसे पहले आप ये डिटॉल लो। अभी क्या करना, आप जब हेयर वॉश कर लेना ना प्रॉपरली, उसके बाद आप एक चीज़ करो, इस डिटॉल का ये जो एक कैप है ना, नॉर्मली 1 से 2 कैप, ठीक है, आप इसको लो और एक मग पानी में, फुल मग पानी में 2 कैप डाल दो, ओके। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उस जस्ट एक मग पानी को अपने सर से रिंस करना है, बस और कुछ नहीं। आप ये करके देखो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स कि ये कैसे फटाफट आपके डैंड्रफ को रिमूव। थर्ड वन इज बेसिकली फॉर ऑयलिंग। देखो, ऑयलिंग क्या करना है, ऑयलिंग करना है ये हमें पता है, पर ऑयलिंग कैसे करना है ये हमें नहीं पता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको, ऑयलिंग करना है, ऑयलिंग सिर्फ रात में करो, ठीक है, ओवरनाइट रखना ऑयल को, लाइक 8 to 10 आवर्स, उसके बाद आप हेयर वॉश कर लो। अगर आप दिन में रख रहे हो, देन कीप इट फॉर लाइक 1 or 2 आवर्स, क्योंकि क्या होता है, दिन में अगर आपने ऑयलिंग किया है, देर इज़ अ टेंडेंसी कि आप बाहर निकलोगे, अगर आप बाहर निकलोगे तो आप डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आओगे, सनलाइट के एक्सपोजर में आओगे, पॉल्यूशन के एक्सपोजर में आओगे, एंड दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल करके आपके हेयर्स ग्रीसी हैं और उसके बाद आप सनलाइट और पॉल्यूशन के उसमें आते हो एक्सपोजर में, तो वहाँ पर पॉल्यूशन का अट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक यूवी रेज का इतना डायरेक्ट पेनिट्रेशन ना हेयर फॉल को लीड करता है। ऑल्सो हमारे जो हेयर्स, जो स्कल होता है, स्कल्स में डैंड्रफ की कंडीशन को बढ़ाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी ऑयलिंग करो तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान। फोर्थ थिंग इज अबाउट शैम्पू, ओके, शैम्पू करने का सही तरीका। शैम्पू करने के लिए आप कभी भी कोई भी शैम्पू यूज करो, इट्स अप टू यू, लेकिन जो शैम्पू की बॉटल में डायरेक्ट शैम्पू आता है ना, हम लोग उसको क्या करते हैं, हाथ में लेते हैं एंड यू जस्ट वी विल मसाज इट, ऐसा मत करो। ठीक है, अगर शैम्पू करना है ना, तो शैम्पू करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप एक मग में, एक इतने मग में इतना पानी लो, उसमें शैम्पू डालो और शैम्पू को डाइल्यूट करो। मतलब मेरा बेसिक फंडा यह है कि हमेशा शैम्पू को डाइल्यूट करके लगाओ। क्या होता है कि डाइल्यूट करके लगाते हो ना, तो यार उसका कंसंट्रेशन और वो प्रॉपरली एक तो स्प्रेड हो पाता है हेयर्स में, तो आपको कम शैम्पू लगता है पहली चीज़ तो, ठीक है, क्योंकि कम शैम्पू पानी है तो वो ज़्यादा फैलेगा और अच्छे से आप मसाज कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि शैम्पू को डायरेक्ट आप नहीं अप्लाई करोगे, तो वो टू सम एक्सटेंट बेटर है। फिफ्थ थिंग इज अबाउट कंडीशनर।
देखो कंडीशनर का क्या सीन होता है ना कि कंडीशनर हम लोग लगाते हैं, हमें लगता है कंडीशनर लगाना है तो हम यहाँ से बिल्कुल कंडीशनर लगाना स्टार्ट कर देते हैं एंड रूट नीचे तक लगाते हैं। देखो कंडीशनर का सिंपल फंडा होता है, कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाना, नहीं तो हेयर फॉल, डैंड्रफ, न जाने क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो स्कैल्प के लिए बना ही नहीं है। दैट इज मेंट टू बी ओनली फॉर द हेयर्स, उनके नरिशमेंट के लिए ही हम कंडीशनर का यूज़ करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत लोगों में मिथ है कि यार कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए, कंडीशनर से यू नो हेयर वाइट हो जाते, ग्रे हो जाते। भाई ऐसा कुछ भी कहीं पे भी प्रूवन नहीं है, कहीं पे भी टेस्टेड नहीं है क्लिनिक। उल्टा कंडीशनर क्या होता है, आपके हेयर्स को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं, जब उसको अप्लाई करते हो आप तो एक एडिशनल यू नो नरिशमेंट मिलता है आपके हेयर्स को। और आज के समय में इतना पोल्यूशन है ना कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कंडीशनर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखो हम हेयर पैक्स लगाते हैं, आपको हर जगह लोग बोलते होंगे हेयर पैक्स लगाओ, हेयर पैक्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है ना जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, वो ये नहीं रखते हैं कि हेयर पैक्स कभी भी डर्टी हेयर्स पे नहीं लगाना, ठीक है। हेयर पैक्स हमेशा लगाओगे, अगर आप चाहते हो कि उसका अच्छा रिजल्ट आए तो हमेशा उसको ना लाइक दो दिन बाद जो वॉश करे हुए हेयर से मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन बाद उसी पे लगाओ। कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे वीक भर होता है, वीक कुछ लोग 5-5 दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं, वीक में एक ही बार हेयर वॉश करते हैं। यार पहली चीज़ तो वीक में एटलीस्ट 2 बार हेयर वॉश करो, ठीक है। और 2 बार हेयर वॉश कर रहे हो ना तो जब दूसरी बार हेयर वॉश कर रहे हो लाइक 1-2 दिन का डिफरेंस रखो और फिर पैक लगाओ। एक बार ऑयलिंग करो, एक बार पैक लगाओ। सॉरी मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं 2 बार वीक में वॉश करती हूँ हेयर्स। एक बार मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ओवरनाइट ऑयल लगाती हूँ और दूसरी बार मैं क्या करती हूँ, हमेशा पैक लगाती हूँ। बट मैं ध्यान रखती हूँ कि पैक लगा रही हूँ मैं, वो 2 दिन ही ज़्यादा मेरे हेयर डर्टी ना हो, क्योंकि उसके कारण उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं। मैं जो 7th हैक बताने वाली हूँ ना, वो हैक है फॉर बेबी हेयर्स। इफ यू पीपल डोंट नो वॉट इज बेबी हेयर्स, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है जब हम हेयर टाई करते हैं ना प्रॉपरली, तो ये जो कुछ टाइप के हेयर्स होते हैं ना जो ऐसे बाहर निकलते हैं, जो बिल्कुल यू नो बाल नए आ रहे होते हैं, जो कम्प्लीटली पीछे भी नहीं जा सकते लेकिन न्यू ग्रोथ हो रही होती है, दैट आर कॉल्ड एज बेबी हेयर्स। अब क्या होता है, देखो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे दिखते हैं एंड दैट नॉट लुक्स गुड, ठीक है। और आप कहीं जा रहे हो बहुत जल्दी में हो, ठीक है, आप हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करते। देखो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि हेयर स्प्रे यूज़ करो, ठीक है, लेकिन फिर क्या करें, ऐसा क्या करें कि यार ये सही भी हो जाए। और अब क्या है, कुछ ऑयल थोड़ी लगा सकते हैं, ऑयल लगाएंगे तो वो तो अजीब दिखेगा ना, तो फिर क्या ऐसा यूज़ करें। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, दैट इज एलोवेरा जेल। आई विल सजेस्ट कि आप पेड़ वाला एलोवेरा जेल मत यूज़ करना है इसके लिए आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। सिंपली एलोवेरा जेल लो, ओके, टेक इट, यू नो, ठीक है। उसके बाद आपको कोम्ब लेनी है, ओके, कोम्ब के यू नो टिप्स पे एलोवेरा जेल लगाना है। यू जस्ट हैव टू डू दिस, ओके, या सिमिलरली यू हैव टू डू लाइक दैट, सी, ओके, या यू कैन डू लाइक दैट। नाउ क्या होगा ना, एलोवेरा जेल जो होगा ना वो थोड़ी देर बाद एकदम ड्राई हो जाएगा, ऑयली नहीं लगेगा, ठीक है। 8th हेयर हैक इज फॉर दोस पीपल जिनका क्या होता है ना, स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है लेकिन नीचे के हेयर्स ड्राई रहते हैं। देखो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे स्कैल्प पे ना बहुत जल्दी ऑयल आता है, बहुत जल्दी, लेकिन क्या होता है सिर्फ स्कैल्प पे आता है, जो मेरे रूट्स है ना बहुत एकदम ड्राई रहते हैं। अभी क्या होता है ना, कभी कभी ना बहुत हेयर्स ड्राई दिखते हैं, नरिश्ड नहीं दिखते, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, अब नाउ यू हैव टू गो समवेयर एंड आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ना एक खाली बॉटल लेना है, आई हैव टेकन लाइक दैट। इसके अंदर मैंने क्या किया है, एलोवेरा और कोकोनट ऑयल को मिलाया हुआ है, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी में बताना चाहूँ तो आप क्या करो, कोकोनट ऑयल 2 स्पून ले लो, ठीक है, और एलोवेरा जेल ले लो 2 स्पून, या आप 4 स्पून कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो और 2 स्पून एलोवेरा और बहुत थोड़ा सा रोज़ वाटर। इफ़ यू वांट, प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट्स में बताइए, मैं अलग से बता दूंगी कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो आपने ये ले लिया, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो रूट्स है ना उस पर बस इसको ऐसे ऐसे अच्छे से स्प्रे करना है, ओके, जस्ट स्प्रे एट द रूट्स और हेयर्स पे स्प्रे कर दो, कुछ नहीं करना है। स्प्रे करने के बाद यू जस्ट हैव टू सिंपली यू नो कोम्ब योर हेयर्स एंड नाउ यू कैन सी
ये ना काफी ज्यादा नरिश लगेंगे और ऑयल इतना ही है तो ऑयली नहीं दिखेगा और आपकी जो ड्राइनेस है ना हेयर्स की वो एकदम चली जाएगी. सो यू कैन सी नाउ ये ड्राई नहीं दिख रहे हैं. नाइंथ हेयर हैक इज वेरी वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली क्या होता है ना कि हम सब कुछ ध्यान रखते हैं, हम अपने ऑयलिंग का ध्यान रखते हैं, पैक का ध्यान रखते हैं, हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हमें हमारी जो एक्सेसरीज है हेयर की उनको क्लीन रखना चाहिए. ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और एक्सेसरीज में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो कोम्ब है. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लो कि ऑयली आपका स्कैल्प है, ठीक है, आप कोम्ब करें फर्स्ट डे, आपने हेयर वॉश किया सब परफेक्ट था, ठीक है, उसके बाद आपने सेकेंड डे भी जो वॉश हेयर है उससे इसी कोम्ब से कोम्ब किया, थर्ड डे तक ऑयल आ जाता है. ठीक है, अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो ऑयल आ ही जाएगा, क्या करोगे फिर भी आप इसी कोम्ब से कोम्ब करते रहोगे, फिर क्या होगा ना, अगली बार जब हेयर वॉश करोगे आप और वापस इसी कोम से करोगे तो ये कोम तो ऑलरेडी ऑयली है ना, कोम और जब ऑयली हो जाती है ना थोड़ी सी स्कैल्प कभी कभी डैंड्रफ भी दिखने लगता है, यार ऑलरेडी इसमें तो सब कुछ लगा हुआ है, अब आप वापस वही कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, नहीं होगी. आपको खत्म करने के लिए ना हमेशा याद रखो आपको वीक में एक बार मिनिमम कोम को वॉश करना ही है, बस कुछ मत करो, कोम में थोड़ा सा आप हैंड वॉश डालो, कुछ भी डालो, जस्ट जो नॉर्मल टूथब्रश होते हैं ना जो खराब हो चुके होते हैं उनसे इसको एक बार रब करो और उसको वॉश कर दो, कुछ भी नहीं है, इससे प्रॉपरली क्लीन हो जाएगी आपकी. टेंथ हेयर हैक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज फॉर ऑयलिंग. ओके, क्या होता है ना, ऑयलिंग मतलब हमको अगर हमारे हेयर्स पे प्रॉपर ऑयलिंग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या होता है हमारे पास कुछ वो नहीं आते एक ट्यूब्स होते हैं जो डायरेक्टली ऐसे हेयर्स यहाँ ऑयल स्कैल्प पे पुट कर देते, अब हमारे पास वो नहीं है मान लो और आपको चाहिए कि आपके स्कैल्प पे, क्योंकि क्या होता है ना जब हम हेयर ऑयल लगाते हैं हम ऐसे करके ऐसे ऐसे लगाते हैं, क्या होता है हमारे स्कैल्प पे प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है, तो अभी उसके लिए हम क्या करें, टेम्परेरी वो बॉटल बनाने का क्या तरीका है, तो सिंपली आपको क्या करना है ना, आपको कोम्ब लेनी है. ओके, जस्ट टेक अ कोम्ब, ट्राई करो कि आप इस पे ना थोड़ा थोड़ा ऑयल पोर कर दो. ठीक है, आपने ऐसे ऐसे ऑयल पोर कर दिया, अब यू कैन सी दैट, देखिए कि ये पूरा कोम्ब के टिप्स पे लग गया. अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली ना ये कोम्ब ऐसे फेरनी. नाउ यू कैन सी आपके प्रॉपरली हेयर्स पे ऐसे ऑयल लग जाएगा. सिमिलरली आप ऐसे कर करके प्रॉपरली आपके स्कैल्प पे और हेयर की लेंथ पे भी अच्छे से ऑयल लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका. और अगर आपके पास वो वाली बॉटल्स नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट है आपके लिए. आपको मेरे ये 10 हैक्स पसंद आए होंगे. ठीक है, प्लीज़ अप्लाई इट दीज हैक्स इन योर डे टू डे लाइफ, आप चेंजेस देखना. ठीक है, आपको पता लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट येट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे वीडियोस मिस कर दोगे ना यार आप. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ.